मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति स्वघोषित स्वदेशी जनजातीय नेता मंच के साथ बातचीत में शामिल होने के केंद्र सरकार के इरादे का पुरजोर विरोध करती है। यह समूह मणिपुर में चल रही हिंसा में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों में सबसे आगे है। ये समूह मणिपुर में चल रही हिंसा में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों में सबसे आगे है। उनके सदस्य को अप्रवासी चिन कुकी नार्को आतंकवादी संगठनों के नेता के रूप में जाना जाता है, जो निर्दोष कुकी नागरिकों को हिंसक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर करते हैं। मणिपुर आबादी को कई वीडियो फुटेज और छवियों से अवगत कराया गया है, जिसमें इन सदस्यों को मणिपुर के पहाड़ी स्थानों से अत्याधुनिक स्नाइपर राइफलें लहराते और ड्रोन कैमरे चलाते हुए दिखाया गया है। इस बैठक में मिजोरम के मुख्यमंत्री शामिल होने के भी संकेत मिलने की खबरें हैं। इससे चिंताएं बढ़ती है क्योंकि मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री को मणिपुर में हालिया हिंसा भड़काने में फंसाया गया है। उन्होंने मणिपुर में मैतेई समुदाय के खिलाफ टकराव में चीन कुकी नार्को आतंकवादी गुटों को खुले तौर पर समर्थन प्रदान किया है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री ने राज्य के आंतरिक मामलों में इस अनुचित हस्तक्षेप का जोरदार विरोध किया है। इस संदर्भ को देखते हुए COCOMI का दृढ़ विश्वास है कि केंद्रीय गृह मंत्री ITLF और मिजोरम के मुख्यमंत्री की प्रस्तावित बैठक न केवल मणिपुरी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी, बल्कि हिंसा को संबोधित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता में विश्वास भी कम करेगी। मणिपुर तथा कथित चिन कुकी नेताओं या उनके प्रतिनिधियों के साथ कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले भारत सरकार को चल रही हिंसा को खत्म करने को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन सभी अवैध अप्रवासियों और प्रवासी निवासियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए निर्णायक कदम उठाने चाहिए जो हालिया हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। मणिपुर में हिंसा का राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब यह मान रहा है कि मणिपुर में चल रहा संघर्ष चिन कुकी और मैतेई समुदाय के बीच स्थानीय संघर्ष नहीं है, ये एक बहुआयामी मुद्दा है जिसमें सीमा पार अवैध प्रवासन, नार्को आतंकवाद का संस्थागरण, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक अफीम पोस्ट की खेती जो परिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और आरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध बस्तियों का अतिक्रमण शामिल है। इन विचारों के आलोक में COCOMI ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जब तक उपरोक्त शर्तों का संतोषजनक समाधान नहीं हो जाता तब तक इन समूहों के साथ ही कोई भी बातचीत शुरू करने से परहेज किया जाए, अन्यथा ऐसे कार्यों को इस प्रकार माना जाएगा। हाल ही में अभी मणिपुर का हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहा, उसके ऊपर भारत सरकार का जो उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो द वे दे आर हैंडलिंग द सिचुएशन, ये इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इट विल रादर यू नो क्रिएट द प्रॉब्लम, बिकॉज मणिपुर का जो अभी हालत है उसमें जो कई तरह से जो शामिल हुआ जो ग्रुप्स है, जैसे ITLF मान लो, ITLF को भारत सरकार ने दिल्ली में बुला के उसके ऊपर बातचीत का शुरू करना, ये कोकोमी के और मणिपुर का जो मैतेई समुदाय के तरफ से बिल्कुल ये हम लोग राजी नहीं देंगे, क्योंकि ये जो ITLF लोग हैं ये बिल्कुल इस हादसे में इस हिंसा में कई तरह में वो लोग शामिल हैं, वो लोग बंदूक पकड़ के वो मैतेई लोग को मारते हैं, वो लोग सारे उसमें वो शामिल हैं। तो NBC न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।